हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, अगर आपको 150,000 के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस और बेस्ट माइलेज वाली बाइक परचेस करना चाहते हैं तो दोस्तों आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेना, बिकॉज इस लिस्ट के अंदर हमने टॉप 4 मोस्ट अवेटेड बाइक सेलेक्ट की हैं, जिनके अंदर आपको काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिल जाते हैं, साथ ही पावर भी अच्छी देखने को मिल जाएगी एंड बाइक के अंदर आपको लुक और डिज़ाइन भी अच्छी देखने को मिल जाएगी। एंड ये बाइक टॉप लेटेस्ट हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर हैं और डिमांड रहती है बाइकों की इंडियन टू व्हीलर मार्केट में बहुत ज़्यादा। दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट की फर्स्ट बाइक रहती है TVS की तरफ से अपाचे RTR 164B। इंडियन टू व्हीलर मार्केट में RTR 164B बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और एक डिफरेंट लुक के साथ ये TVS की तरफ से बाइक आती है। बाइक के अंदर आपको काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिल जाते हैं, साथ ही बाइक के अंदर आपको लुक और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको मेन पॉइंट के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले बात करें पावर के बारे में। दोस्तों, इस बाइक के अंदर आपको 159.7 cc का ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4-stroke SI फ्यूल इंजेक्शन इंजन देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको 17.63 hp की पावर देखने को मिलेगी, 14.73 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा। बाइक के अंदर आपको 5 gearbox ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा एंड वेट मल्टीपल क्लच देखने को मिलेगी। बाइक के इंजन में आपको काफ़ी अच्छी रिफाइनमेंट देखने को मिल जाएगी। इस बाइक के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक देखने को मिल जाते हैं। बाइक के रियर पार्ट में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। डायमेंशन भी बाइक के आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। बाइक के अंदर आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल क्लस्टर देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको सारे बेसिक फीचर देखने को मिल जाते हैं। इस बाइक की लाइटिंग सेटअप में आपको हेडलाइट एंड टेल लाइट दोनों ही आपको LED सेटअप के साथ देखने को मिलती हैं। फ्रंट में आपको डिफरेंट टाइप की यूनिक LED डायल्स भी देखने को मिल जाती हैं हेडलाइट में। ओके, वहीं कंफर्ट फीचर में बाइक के अंदर आपको काफ़ी अच्छे कंफर्ट फीचर देखने को मिल जाते हैं। इंजन किल स्विच, स्टेप अप सीट, स्प्लिट सीट, प्लियन ग्रैब रेल, प्लियन फुटरेस्ट, इलेक्ट्रिक स्टार्ट जैसे सारे कंफर्ट फीचर देखने को मिल जाते हैं। बाइक में आपको फ्रंट ब्रेक 277 mm के पैटल डिस्क ब्रेक, बाइक के रियर पार्ट में आपको 200 mm के पैटल डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं, जो कि सिंगल चैनल सुपर मोटो एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ देखने को मिलते हैं। इस बाइक का फ्रंट टायर आपको 90x90 का देखने को मिलता है, रियर टायर आपको 130x70 का देखने को मिलता है। दोनों ही टायर आपको 17-inch के अलॉय व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। बाइक आपको मैं बता दूं टॉप स्पीड रहने वाली है बाइक के अंदर 140 km/h की एंड बाइक ओनली 15.6 seconds के अंदर 100 km/h की टॉप स्पीड अचीव कर लेती है। इनिशियल बूस्ट भी बाइक के अंदर आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। 45-50 km/l का अप्रोक्सीमेट माइलेज भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वहीं बाइक के अंदर आपको काफ़ी अच्छी कलर स्कीम देखने को मिल जाती है। इसमें आपको रेसिंग रेड, नाइट ब्लैक, मेटेलिक ब्लू, ये 3-4 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। बाइक के अंदर आपको काफ़ी अच्छी कलर स्कीम देखने को मिल जाती है, आप इजीली सेलेक्ट कर पाओगे। प्राइस के बारे में बात करें, इंडियन टू व्हीलर मार्केट में इस बाइक के शोरूम प्राइस आपको 121,000 के आसपास देखने को मिलेंगे और ऑन रोड ये बाइक आपको 130 या फिर 35,000 के आसपास देखने को मिल जाती है। 150,000 के अंदर ये बाइक आपको देखने को मिलती है और बाइक का लुक, डिज़ाइन और स्टाइल तो आप देख ही पा रहे होंगे ऑफिशियल वीडियो के अंदर, ऑलरेडी आपने मार्केट के अंदर भी देख लिया होगा। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बाइक है। इस बाइक को आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप 150,000 के अंदर 160 cc के आसपास कोई बाइक बेस्ट परचेस करना चाहते हैं। तब बात करते हैं इस लिस्ट की सेकंड बाइक के बारे में, जो कि रहती है दोस्तों होंडा की तरफ से होंडा हॉर्नेट वर्जन 2.0। इंडियन टू व्हीलर मार्केट में इस बाइक के अंदर आपको वो फीचर प्रोवाइड कराए हैं होंडा ने, जो आप अभी तक किसी बाइक ने प्रोवाइड नहीं कराए हैं। इस प्राइस पॉइंट पर इतनी पावर आपको और इतने स्पेक्स बहुत ही कम बाइकों में प्रोवाइड देखने को मिलेंगे। बाकी मैं स्टेप बाई स्टेप इस बाइक के मेन पॉइंट बता देता हूँ आपको। सबसे पहले बात करें बाइक की पावर के बारे में। इस बाइक के अंदर आपको 184.40 cc का 4-stroke SI इंजन देखने को मिलता है, सिंगल सिलेंडर प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन है, जिसमें आपको 17 hp की पावर देखने को मिलती है, 16.1 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है, 5 gearbox ट्रांसमिशन देखने को मिलते हैं विद मल्टीप्लेट वेट क्लच के साथ। बाइक के अंदर आपको फ्रंट साइड में अपसाइड डाउन फ्रंट फोक देखने को मिलते हैं विद गोल्डन फिनिशिंग के साथ, जो कि आपको किसी बाइक के अंदर प्रोवाइड नहीं कराए गए हैं इस प्राइस पॉइंट पर। बाइक के रियर पार्ट में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। बाइक के अंदर आपको डायमेंशन भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। 12 L की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, 590 mm की सीट लेंथ देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाइक के अंदर आपको फुल्ली डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल क्लस्टर देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको सारे बेसिक फीचर देखने को मिल जाते हैं। इस बाइक के अंदर आपको ऑल LED लाइट सेटअप देखने को मिलता है, इंडिकेटर, हेडलाइट, टेल लाइट, सारी की सारी आपको लाइटें LED देखने को मिलती हैं, जैसे कि आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे और फोटो के अंदर भी देख पा रहे होंगे। इस बाइक के अंदर आपको ऑल LED लाइट सेटअप देखने को मिलता है। ओके, कंफर्ट फीचर भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, साथ ही आपको लाइटिंग में इंडिकेटर के अंदर हजार्ड वार्निंग स्विच भी देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत सारे लोग जो है मॉडिफिकेशन में इंस्टॉल कराते हैं, तो आपको इंस्टॉल कराने की कोई जरूरत नहीं है, कंपनी की तरफ से आपको इंस्टॉल देखने को मिलते हैं। फ्रंट ब्रेक 276 mm के सिंगल डिस्क ब्रेक
बाइक के रियर पार्ट में आपको 220mm के सिंगल डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं, जो कि आपको सिंगल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ देखने को मिलते हैं। फ्रंट टायर आपको 110x70 का, रियर टायर आपको 140x70 का, जो कि दोनों ही काफ़ी वाइड टायर आपको देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही बाइक के अंदर आपको दोनों ही टायर 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। इस बाइक के अंदर आपको 130 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिलेगी। ओनली 10 सेकंड के अंदर बाइक जो 100 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड अचीव कर लेती है। लाइक इनिशियल बूस्ट लाइक पिकअप भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। 40-45 किलोमीटर पर लीटर का अप्रॉक्सीमेट माइलेज भी देखने को मिल जाता है। इतनी पावर के साथ आपको काफ़ी अच्छा माइलेज प्रोवाइड करा देती है बाइक। बात करते हैं कलर स्कीम के बारे में। इसमें आपको मैट एक्सेस ग्रे मेटेलिक, मैट मार्बल ब्लू मेटेलिक, मैट सानग्रिया रेड मेटेलिक, पीआरएल इग्नियस ब्लैक, ये 4-5 कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम कलर स्कीम देखने को मिल जाती है, तो इस बाइक को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। प्राइस के बारे में बात करें, इस बाइक के प्राइस आपको इंडियन टू व्हीलर मार्केट में एक्स शोरूम 1,36,000 के आसपास देखने को मिलते हैं। लाइक 1,36,000 के आसपास एक्स शोरूम, और ऑन रोड ये बाइक आपको 1,40,000 या फिर 1,45,000 के आसपास देखने को मिलेगी। ये बाइक भी आपको 1,50,000 के अंदर ही देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और डिज़ाइन और लुक तो देख ही सकते हैं आप, ग्राफिक्स भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। इस प्राइस पॉइंट पर इस बाइक को आप लिटरली कंसिडर कर सकते हैं। बात करते हैं इस लिस्ट की दोस्तों थर्ड बाइक के बारे में, जो कि बेस्ट बाइक है इस प्राइस पॉइंट पर। लाइक बजाज की तरफ से बजाज पल्सर N160, लिटरली ये बाइक रिसेंटली ही लॉन्च हुई है, और इस बाइक के अंदर आपको जो फीचर प्रोवाइड कराए हैं अभी तक किसी कंपनी ने भी वो फीचर आपको प्रोवाइड नहीं कराए हैं इस सीसी सेगमेंट में और इस प्राइस पॉइंट पर। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ, ज़्यादा डीपली नहीं जाने वाला हूँ। बात करें इंजन के बारे में, इसमें आपको 164.82cc का ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक SOHC 2-वॉल्व फ्यूल इंजेक्शन इंजन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको 16 HP की पावर देखने को मिलेगी, 14.65 Nm का टॉर्क, 5 गियर बॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिल जाते हैं। बाइक के इंजन में आपको काफ़ी अच्छी रिफाइनमेंट देखने को मिल जाती है। इसमें आपको 31mm के टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक देखने को मिल जाते हैं। बाइक के रियर पार्ट में आपको मोनोशॉक विद नाइट्रॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 14 लीटर की देखने को मिल जाती है। सीट हाइट आपको 795mm की देखने को मिल जाती है। डायमेंशन आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाते हैं, लाइक 165mm का ग्राउंड क्लियरेंस। बाइक के अंदर आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल क्लस्टर देखने को मिल जाता है एनालॉग टाइप का, और बाइक के अंदर आपको सारे बेसिक फीचर देखने को मिलेंगे इंस्ट्रूमेंट कंसोल क्लस्टर में। बाइक के अंदर आपको फ्रंट में मॉन्स्टर टाइप की एक डिफरेंट लुक के साथ VI फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलती है विद LED डायल्स के साथ डे टाइम रनिंग, जो कि काफ़ी अच्छी है। यूनिक लाइट है, लाइक MT15 से थोड़ी सी डिफरेंट है। टेल लाइट आपको LED देखने को मिलती है विद गिल्टन पैटर्न के साथ। बाइक के अंदर आपको इंडिकेटर हैलोजन देखने को मिलते हैं। इस बाइक के अंदर आपको USB चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। फ्रंट ब्रेक आपको 280mm के सिंगल डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। बाइक के रियर पार्ट में आपको 230mm के सिंगल डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। ये एक वन ऑफ द बेस्ट बाइक है, जो आपको 160cc के अंदर डुअल चैनल ABS का ऑप्शन देखने को मिलता है। और इस प्राइस पॉइंट पर कोई भी कंपनी आपको डुअल चैनल का ABS प्रोवाइड नहीं कराती है। लाइक MT के अंदर भी आपको डुअल चैनल ABS का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, हालांकि वो बाइक 2 लाख के आसपास आती है, और ये बाइक आपको अंडर 1,50,000 के आसपास देखने को मिल जाती है। दोस्तों, इस बाइक के अंदर आपको 120 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगी। 14.5 सेकंड के अंदर बाइक 100 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड अचीव कर लेती है। इनिशियल बूस्ट और पिकअप आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। ओके, 45-50 किलोमीटर पर लीटर का अप्रॉक्सीमेट माइलेज देखने को मिल जाता है। इस बाइक के अंदर आपको डुअल चैनल ABS के अंदर ब्रुकलाइन ब्लैक एक ही कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंगल चैनल के अंदर आपको सेरिवन ब्लू, रेसिंग रेड, टेक्नो ग्रे, ये बाइक आपको 2 वेरिएंट के अंदर देखने को मिलती है। दोनों वेरिएंट के प्राइस के बारे में बात करूं, तो आपको सिंगल चैनल ABS 1,23,000 के आसपास देखने को मिलता है, और आपको डुअल चैनल ABS लाइक टॉप मॉडल 1,27,000 के आसपास देखने को मिलता है एक्स शोरूम, और ऑन रोड आपको टॉप मॉडल देखने को मिलेगा 1,30,000 या फिर 35,000 के आसपास। ओके, बाकी दोस्तों बात करूं लुक और डिजाइन और कलर स्कीम के बारे में, ऑलरेडी मैंने आपको कलर स्कीम बता दी है। बाकी लुक डिजाइन इस बाइक का बिल्कुल यूनिक है, काफी ज्यादा डिफरेंट बाइक है। अंडर वैली एग्जॉस्ट सिस्टम देखने को मिल जाता है, स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है, राइडिंग पोजीशन आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। ये एक यूनिक लुक के साथ आती है इस प्राइस पॉइंट पर, इसको आप लिटरली कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप बजाज की बाइकों को पसंद करते हैं और आप 160cc की बाइक बजाज की तरफ से परचेज करना चाहते हैं, तो आप बजाज पल्सर N160 को लिटरली कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस लिस्ट की फोर्थ बाइक के बारे में, जो कि रहती है यामा FGS डीलक्स। इंडियन टू व्हीलर मार्केट में अगर आप कोई माइलेज के अकॉर्डिंग बाइक लेना चाहते हैं और लुक भी आपको अच्छा देखने को मिल जाए, मैं आपको बता दूं यामा की तरफ से ऑलरेडी आपको पता होगा कि इंजन के अंदर कितनी रिफाइनमेंट होती है और लॉन्ग टाइम तक इंजन चलते हैं। एंड ये यामा की बाइक एक माइलेज बेस्ट माइलेज प्रोवाइड कराने वाली बाइक है। काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल बाइक है, लाइक 1,50,000 के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। लुक डिज़ाइन ग्राफिक्स काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाते हैं, साथ ही आपको पावर भी अच्छी देखने को मिल जाती है। मेन पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पावर के बारे में। सबसे पहले
एक्सप्लेन करेंगे। इस बाइक के अंदर आपको 149 सीसी का एयर कूल 4 स्ट्रोक 2 वाल्व SOHC फ्यूल इंजेक्शन इंजन देखने को मिलता है। 12.4 HP की पावर देखने को मिलेगी, 13.3 इंटरमिटेंट का टॉर्क देखने को मिलेगा। बाइक के अंदर आपको 5 गियर बॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलते हैं विद बैटरी मल्टीप्लेक्स डिस्क क्लच के साथ। एंड इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट में 41mm के टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक देखने को मिल जाते हैं। बाइक के रियर पार्ट में आपको 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। आपकी कोई भी हाइट हो तो आप एडजस्ट कर सकते हैं सीट को। ओके, डायमंड फ्रेम पर यह बाइक आपको देखने को मिलेगी। काफी अच्छे डायमेंशंस भी देखने को मिल जाते हैं। लाइक बाइक के अंदर आपको 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी देखने को मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल क्लस्टर आपको फुली डिजिटल देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको सारे बेसिक फीचर देखने को मिलेंगे। इस बाइक के अंदर आपको हेडलाइट एंड टेल लाइट आपको सारी की सारी आपको LED देखने को मिलेंगी। बाइक के अंदर आपको काफी अच्छे ब्रेक एंड टायर देखने को मिल जाते हैं। 282mm के सिंगल डिस्क ब्रेक। बाइक के रियर पार्ट में आपको 220mm के डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं, जो कि सिंगल चैनल ABS के साथ देखने को मिलते हैं। इस बाइक के फ्रंट में आपको 100x80 का टायर देखने को मिलेगा एंड रियर टायर आपको 140x60 का देखने को मिलेगा। दोनों ही टायर आपको 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ देखने को मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर। बाइक के अंदर आपको 115 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिलेगी। बाइक ओनली 15.17 सेकंड के अंदर 100 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड अचीव कर लेती है। लाइक बाइक के अंदर इनिशियल बूस्ट भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। पिकअप 45-50 किलोमीटर पर लीटर का अप्रॉक्सीमेट माइलेज प्रोवाइड करा देती है। मेटालिक ब्लैक, मेटालिक ग्रे, मैजेस्टी रेड, ये 3 कलर स्कीम देखने को मिल जाएंगी। प्रीमियम फीचर्स के साथ ये बाइक आती है और प्रीमियम लुक के साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको अलॉय व्हील जो है वो गोल्डन कलर के देखने को मिल जाते हैं। लाइक कलर स्कीम में आपको बाकी डिफरेंट कलर स्कीम देखने को मिलती है, ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये बाइक एक्सोरूम आपको 1,24,000 के आसपास देखने को मिलती है। ऑन रोड ये बाइक आपको 1,30,000 या फिर 35,000 के आसपास देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, यामा की ये बाइक काफी ज्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी बाइक है। अगर आप कोई यामा की बाइक परचेस करना चाहते हैं 150 या फिर 160 सीसी सेगमेंट की, इस बाइक को आप लिटरली चेकआउट कर सकते हैं। काफी ज्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी बाइक है। ओके दोस्तों, इंडियन टू व्हीलर मार्केट में ये चारों बाइक काफी ज्यादा पॉपुलर है और काफी ज्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी बाइक है और काफी अच्छे लुक के साथ आते हैं। काफी अच्छी पावर देखने को मिल जाती है, साथ ही आपको काफी अच्छे स्पेक देखने को मिल जाते हैं इनके प्राइस के हिसाब से। ओके, बाकी आप चारों बाइकों में से कोई सी बाइक भी परचेस कर सकते हैं अपनी चॉइस या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। हमारे चैनल पर अगर नया आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी गाइस मिलते हैं आपसे अगले एक ऐसी ही अपडेटेड वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।